subscribe to Satya Cuisine and Crafts and press bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करेंगे, वो है अरेबियन किप्सा। ये फर्स्ट टाइम आई थिंक यूट्यूब पर आप देखेंगे, सही ओरिजिनल रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अरेबियन किप्सा बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखिए गोश्त है, जिसके अंदर ये देखिए आप कट्स लगे हुए हैं, गैशेज ऑलरेडी मैंने लगा दिए हैं। ठीक, आपने ये गोश्त लेना है, ये एक्चुअली लेग पीस होता है, उसके साथ का जो ये गोश्त है ये वो है। ठीक, इसके साथ आपने इसके अंदर अनियन, जिंजर और गार्लिक सब आपने इसी तरह से पीसेस बड़े बड़े करके और इनको आपने इस गोश्त के साथ डालना है। उसके साथ ये मसाले हैं, जिसमें कि हमारे पास नमक है, सूखी मिर्च है, जीरा है, गरम मसाला पाउडर है, जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है और दादर धनिया पाउडर है, तड़के वाली मिर्च है, इसके नीचे सारा गरम मसाला है, ये सब मैं आपको क्वांटिटी दे दूंगी और ये सूख मिर्च डाल। अब सबसे पहले हम गोश्त लेंगे, इसको हम एक बड़े से पतीले में डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं, इस पे मैंने इतना पानी लिया हुआ है कि ये इसमें डिप हो जाए और इसको हमने इसकी स्टीम में बनाना है। फिर हम ये सारे प्याज, जिंजर, गार्लिक ये सब डाल देंगे और इसके बाद हम ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको फॉइल पेपर लेंगे, कोई सा भी, अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप आटा लेके वो भी चारों साइड से इस तरह से कवर करके आप इसकी स्टीम को रोक सकते हैं। हमने एक्चुअली इस गोश्त को इसी स्टीम में पकाना है। आपने स्टीम पे आंच जो है वो हल्की कर देनी है, फ्लेम हल्का रखना है और इसको यूं कवर कर देना। अब इसको हम 1 आवर के लिए इस लो फ्लेम पे कुक करेंगे। इसके अंदर जो है ना, मैंने सारी सब्जियां डाल दी हैं, जिसमें कि गोभी है, मटर है, पालक के कुछ पत्ते हैं, गाजरे हैं और आलू हैं। आलू हमने छिलके के उनको अच्छी तरह धोकर हमने डाला है। अब हम इस शिमला मिर्च डाली है, अब इसके अंदर हम सोया सॉस डाल देंगे। अब इसके अंदर हम सिरका डाल देंगे। सब्जियां आप पे डिपेंड करती हैं, आप कौन कौन सी डालना चाहते हैं। इसमें बस आपने शलजम, कद्दू इस और बैंगन टाइप, इस टाइप की सब्जी नहीं डालनी। इसमें आपने मटर, गाजरें, शिमला मिर्च, बंद गोभी, आलू, इस टाइप की सब्जी डालनी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके दोबारा से इसको कुक करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, कितना अच्छा कुक हो रहा है। अब यही सब्जियां और यही सारे मसाले और सोया सॉस वगैरह इसको सारा फ्लेवर देंगे। इसको कवर कर देंगे दोबारा से और इसको स्टीम पे पकने देंगे। अब देखिए व्यूअर्स, हमने जो है सब्जियों में से पानी इसको सुखा लिए और दूसरी तरफ गोश्त भी जो है वो काफ़ी अच्छा गल चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऑयल डालेंगे और इस गोश्त को फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर इन सब्जियों को उस ऑयल में फ्राई करेंगे। अब देखिए
इसके अंदर हमने इस पीस को डाल दिया और अब ये हम इसको इतना ही आपने ऑयल रखना है, इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। अब यस देखिए हमने सब्जियों को डाल दिए फ्राई करने के लिए, हमने वो मीट जो है वो निकाल के फ्राई करके साइड पे रख दिया। अब यस देखिए हमने इसको एक सेंटर प्लेट में रख लिया और अपने सारी ये जो सब्जियां थी फ्राई जो हो गई हैं इनको हम अब इसकी साइड पे डाल देंगे। अब हमने कुछ फ्राइज फ्राई किए थे वो हम साइड पर डाल देंगे। ओके व्यूअर्स इसको घर पे ट्राई करिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त मेरी अम्मी की हिट रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।